दो महीने से चल रहा अन्नदाताओं का आंदोलन आज नियंत्रण से बाहर होता दिखाई दिया। तय रूट की जगह अन्नदाताओं के कई जत्थे अलग रास्ता पकड़ते हुए दिल्ली के अंदर दाखिल हो गए। हजारों की संख्या में अन्नदाता लाल किले तक पहुंच गए और यहां किसानों ने अपना झंडा फहरा दिया। अन्नदाता पहले ही ऐलान कर रहे थे कि वो गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर अपना झंडा फहराएंगे। पुलिस और प्रशासन द्वारा इसकी इजाजत नहीं दी गई थी। अन्नदाताओं को 3 रूट दिए गए थे जहां से वो अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं, लेकिन आज अन्नदाताओं ने अंतिम समय में अपनी रणनीति बदल दी और दिल्ली के अंदर दाखिल हो गए। गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुए अन्नदाताओं को ITO पर पुलिस ने रोक दिया। यहां दोनों ओर से बल प्रयोग हुआ। दूसरी ओर सिंघू बॉर्डर से दाखिल हुए अन्नदाता हजारों की संख्या में लाल किले तक पहुंच गए और यहां उन्होंने अपना झंडा फहरा दिया, जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। बाद में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर परेड में शामिल अन्नदाता लाल किले तक पहुंचे। मौके पर दिल्ली पुलिस के जवान भी पहुंच गए और उन्होंने अन्नदाताओं को हटाने की कोशिशें की। एक ओर दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है तो वहीं अन्नदाताओं के संयुक्त मोर्चे ने कहा कि लाल किले पर जो हो रहा है उसके पीछे हमारा हाथ नहीं है, वहां अपने संगठन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि हम लोग तय रूट से ही अपनी रैली निकाल रहे हैं, लाल किले पर हमारे संगठन के लोग नहीं हैं, वहां सिंघू बॉर्डर के लोग हैं। दूसरी ओर राकेश टिकैत ने कहा कि हम शांति से रैली निकाल रहे हैं, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल के लोग स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें पहचान चुके हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।